त्रिकोणमितीय फलनों की रेखाचित्र या ग्राफ्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस। बीजगणित में हम फलन y equal to f of x से परिचित हैं, जो कि स्वतंत्र चर x तथा आश्रित चर y के बीच संबंध को दर्शाता है। y equal to f of x का रेखाचित्र या फिर ग्राफ खींचने से यह x और y के बीच संबंध को एक दृश्य के रूप में प्रदर्शित करता है। त्रिकोणमितीय में हमने चर कोण x तथा इसके त्रिकोणमितीय फलनों को पढ़ा है, इन्हें हम f फलन भी कहते हैं। चर कोण x के विभिन्न मानों तथा f फलन के संगत मानों के बीच संबंध को रेखाचित्र द्वारा दृश्य रूप में समझा जा सकता है। x को विभिन्न मान देकर तथा f फलन के संगत मान प्राप्त करके उन्हें ग्राफ पेपर पर अंकित करने से हमें विभिन्न बिंदुएं प्राप्त होंगे। यदि इसे हम फ्री हैंड रूप से मिलाएं तो हमें एक वक्र प्राप्त होता है, जो कि y equal to f of x का रेखाचित्र निरूपण करता है। भौतिक शास्त्र के अंतर्गत विभिन्न घटनाओं जैसे रेडियो तरंगे, ध्वनि तरंगे, प्रकाश तरंगे, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा, सरल आवर्ती गति आदि का अध्ययन करते समय हमें ऐसे त्रिकोणमितीय फलनों के रेखाचित्र की सहायता लेनी पड़ती है। रेखाचित्र खींचने की विधि या मेथड ऑफ ड्रॉइंग अ ग्राफ। त्रिकोणमितीय फलनों के रेखाचित्र खींचने के लिए निम्न विधि अपनाते हैं। पहला, ग्राफ पेपर पर OX और OY परस्पर समकोणिक निर्देश अक्ष खींचते हैं। दूसरी विधि, दूसरा स्टेप है, समान अंतराल में कोणों का मान लेते हैं तथा प्रत्येक कोण के संगत त्रिकोणमितीय फलन का मान दशमलव के दो स्थानों तक शुद्धता पूर्वक ज्ञात करते हैं। अब विभिन्न कोणों एवं उनके फलनों के मान से संबंधित सारणी बनाते हैं। निर्देशाक्षों पर उचित पैमाना लेते हैं तथा x अक्ष पर विभिन्न कोणों को तथा y अक्ष पर दिए हुए फलन को निरूपित करते हैं। फिर सारणी से मानों के प्रत्येक युग्म के संगत ग्राफ पेपर पर एक एक बिंदु आलेखित करते हैं। इस प्रकार प्राप्त सभी बिंदुओं से होकर एक चिकना वक्र खींचते हैं और यही अभीष्ट वक्र होता है, जो कि दिए गए फलन को निरूपित करता है। त्रिकोणमितीय फलनों के आवर्तनांक या पीरियड्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। यदि किसी फलन f of x के लिए कोई लघुतम धनात्मक वास्तविक संख्या p ऐसी हो कि f of x plus p equal to f of x हो, तो फलन f of x आवर्ती फलन कहलाता है तथा न्यूनतम धनात्मक वास्तविक संख्या p फलन का आवर्तनांक कहलाता है। त्रिकोणमितीय फलनों sin x, cos x, cosec x तथा sec x का आवर्तनांक 2π होता है, क्योंकि यदि हम ग्राफ में देखें साइन, कॉस, कोसेक और सेक, इन सभी का हम ग्राफ देखें तो साइन में देखिए कि ये जो ग्राफ है ये 180 डिग्री के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है। इसी तरीके से ये देखिए कॉस का एक ग्राफ है जिसपे यह भी 2π के बाद में अपने आप को रिपीट कर रहा है। इसी तरीके से ये कोसेक एक्स का ग्राफ है और ये सेक एक्स का ग्राफ है। तो इस तरीके से हम यह लिख सकते हैं कि साइन ऑफ एक्स प्लस 2π इक्वल टू साइन एक्स, कॉस ऑफ एक्स प्लस 2π इक्वल टू कॉस एक्स और कोसेक ऑफ एक्स प्लस 2π इक्वल टू कोसेक एक्स और सेक ऑफ एक्स प्लस 2π इक्वल टू सेक एक्स। फलनों टेन एक्स तथा कॉट एक्स का आवर्तनांक पाई है, क्योंकि टेन ऑफ एक्स प्लस पाई इक्वल टू टेन एक्स, कॉट ऑफ एक्स प्लस पाई इक्वल टू कॉट एक्स। इसमें यह ध्यान देने वाली बात है कि tan of x plus 2π equal to tan x तथा cot of x plus 2π equal to cot x होता है, फिर भी इनका आवर्तनांक 2π ना होकर पाई है, क्योंकि पाई लघुतम है। फलनों sin bx, cos bx, cosec bx, sec bx का आवर्तनांक 2π upon mod b होता है, क्योंकि sin of bx equal to sin of bx plus 2π equal to sin of b into x plus 2π by b तथा cos bx equal to cos of bx plus 2π equal to cos of b into x plus 2π upon b। पुनः tan bx तथा cot bx का आवर्तनांक π by mod b होता है, क्योंकि tan bx equal to tan of bx plus π
इक्वल टू टेन ऑफ बी एंड देन ब्रैकेट में एक्स प्लस पाई बाई बी तथा cot bx इक्वल टू cot ऑफ bx प्लस पाई इक्वल टू cot ऑफ b और देन ब्रैकेट में होगा x प्लस पाई बाई बी। यहां आवर्तनांक में मॉड b इसलिए लिया गया है ताकि आवर्तनांक धनात्मक वास्तविक संख्या हो। इसी तरह sin ऑफ bx प्लस c, cos ऑफ bx प्लस c, cosec ऑफ bx प्लस c और sec ऑफ bx प्लस c का आवर्तनांक 2 पाई अपॉन मॉड बी तथा tan ऑफ bx प्लस c, cot ऑफ bx प्लस c का आवर्तनांक पाई अपॉन मॉड बी होता है।